भारत देश में क्रिकेट का वर्ल्ड कप होने जा रहा है, उसकी तैयारी जोर शोर से शुरू है और गली से लेकर दिल्ली तक हर जुबा पे क्रिकेट वर्ल्ड कप की चर्चाएं शुरू हो चुकी है। भारत की टीम में जो आज कप्तान है रोहित शर्मा और तेज गोलंदाज शार्दुल ठाकुर, जिनको जिन्होंने बनाया वो क्रिकेट कोच दिनेश लाड सर अपने सोबत है, उनके साथ अपन बातचीत करेंगे। सर, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। आज जो कप्तान है रोहित शर्मा, उनके परफॉर्मेंस और उनके बैटिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? परफॉर्मेंस तो अच्छा ही होगा, बिकॉज कि आपने देखा होगा कि अभी जो एशिया कप हुआ उसमें भी उसने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और अब ऑस्ट्रेलिया के सामने भी बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की, तो मुझे नहीं लगता है कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। डेफिनेटली अगर हमारा देश वर्ल्ड चैम्पियन होता है तो उससे सबसे ज़्यादा सहयोग रोहित का होगा, ऐसे मुझे लग रहा है। सर, बार बार फिटनेस के बारे में भी उनकी चर्चा होती रहती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है, फिटनेस तो वो फिट ही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि उसने कैचेस बहुत बढ़िया लिए, जो इतने अच्छे कैचेस ड्राइविंग कैचेस लेता है वो बिना फिटनेस से ले ही नहीं सकते, तो ये गलत बात है कि वो फिटनेस का उसका कुछ इशू होगा, मुझे नहीं लगता है कुछ इस बारे में। शार्दुल ठाकुर के बारे में क्या कहेंगे? शार्दुल ठाकुर के बारे में तो एक अच्छा एक ऑलराउंडर सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि शार्दुल ने आपने देखा होगा कि जब जब वो बॉलिंग को आता है तो एक हाथ दूसरी क्रुशल विकेट निकाल के दे रहे, तो शार्दुल ठाकुर एक अच्छा गेंदबाज भी है और साथ ही साथ वो अच्छा एक बल्लेबाज भी है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे मैचेस ने अपने बल्लेबाजी के तौर पर देश के लिए जिता के दिए, तो एक अच्छा ऑलराउंडर देश सिलेक्ट किया गया है, तो शार्दुल भी एक अच्छा परफॉर्म करेगा मुझे नहीं लगता। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए जो टीम सिलेक्ट की गई है वो आपको लगता है पूरी तरह से कंप्लीट है? डेफिनेटली डेफिनेटली, जिस तरह से अजीत आगरकर की टीम ने जो टीम सिलेक्ट की है वर्ल्ड कप के लिए, बहुत ही अच्छी टीम है, क्योंकि आपने देखा होगा सभी अपने बल्लेबाज बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, जैसे कि शुभम गिल लो आप, श्रेयस अय्यर लो, सूर्य कुमार यादव लो आप, केएल राहुल को लो, या रोहित और रोहित कोहली के बारे में तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते, वो तो ऑलरेडी उन्होंने प्रूव करके दिखाया है, और अपनी गेंदबाजी भी बहुत अच्छी है, जैसे कि बुमराह आने के बाद हमारी 50% बॉलिंग अटैक स्ट्रांग हो गई है, सभी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, सिराज है, देन हार्दिक पंड्या है, रविंद्र जडेजा है, देन आपका कुलदीप यादव है, हार्दिक पंड्या भी है, तो हमारी पूरी टीम बहुत ही अच्छी है, एकदम परफेक्ट टीम सिलेक्ट की गई है, ऐसे मुझे लग रहा है। सर, इस बार वर्ल्ड कप कौन मुख्य दावेदार आपको लगता है? ऐसे तो मुख्य दावेदार तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस हमारे देश को ही दूंगा, भारत देश को ही दूंगा, क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरह से हमारे बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं या गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं, पूरी अच्छी सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड अनदर थिंग कि दूसरी ऑस्ट्रेलिया को मैं दावेदार समझता हूँ, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छी है, और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान भी अच्छी टीम है, बट मैं तो चाहूँगा कि भारत देश ही ये वर्ल्ड कप जीते। सर, आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार से केंद्र सरकार ने सम्मानित भी किया है, जिस तरह से आपका काम है, आप जिस तरह से कोचिंग करते हैं खिलाड़ियों को, कुछ उनसे कुछ पैसे भी लेते नहीं है, ये फोकट आप काम सब करते, ये क्यों? आपका फिर घर चलता किस पे? घर चलाने वाले तो हमारे घर के हमारी धर्म पत्नी है, वो तो घर चलाती है, बट कैसे ऐसे कि मैं मुझे पहले से जॉब तो मेरे क्रिकेट की वजह से मुझे जॉब मिला था, और मैंने कभी सोचा, क्योंकि मेरे गुरु थे आचार्य सर रमाकांत आचार्यकर, वो भी वही करते थे, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं ना मेरा क्रिकेट 1976 में चालू किया, 10वीं के बाद मैं उनके पास गया था, किसी ने मुझे लेके गए थे, और उस वक्त मुझे 7 रुपये फीस भरने के लिए मैं पैसे नहीं थे, मेरे पास कपड़े नहीं थे क्रिकेट खेलने के लिए या शूज़ भी नहीं थे, तो सर ने मुझे कपड़े दिए थे उनके, और मैंने अल्टर करके वो कपड़े पहने थे, उन्होंने शूज़ के लिए मुझे 300 रुपये दिए थे उस वक्त 1976 में, और उसके बाद हमसे फीस नहीं, बहुत सारे क्रिकेटर में उनसे उन्होंने फीस दी, तो उनका जो उन्होंने किया तो थोड़ा काम मैं कर रहा हूँ उससे मुझे लग रहा है, क्योंकि क्रिकेट ने मुझे बहुत बड़ा नाम दिया है, बहुत बड़ा हुआ है, हालांकि मेरा बेटा भी एक अच्छा क्रिकेटर है, आपने नाम सुना होगा सिद्धेश लाड़, मुंबई के लिए खेलता है, इंडिया ए के लिए भी खेला है, IPL में भी खेला है वो, अनफॉर्चुनेटली देश के लिए खेल नहीं पाया, बट अभी भी मुझे होप है कि वो आने वाले एक आध दो साल में देश के लिए भी खेलते हुए आपको देखेगा, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए उसके लिए, तो ऐसे चलता है कि मैंने हमारे
सौ से बड़ी नहीं है। मेरा एक ही क्रिकेट और क्रिकेट और क्रिकेट, और सबसे बड़ी बात है कि मेरे फैमिली का सपोर्ट मुझे बहुत मिला इसके पीछे। क्योंकि अगर फैमिली मुझे, जैसे कि घर वाले किट-किट करते थे, अरे आप पैसा नहीं ले रहे हो, खाली क्रिकेट के पीछे भाग दौड़ कर, घर कौन चलाएगा। पर उन्होंने कभी कंप्लेंट नहीं की, तो घर उन्होंने चलाया, तो इसके लिए ये घर चलते क्या मुझे लग रहा है। सर एक तरीके से ऐसे बोला जाए कि आचरेकर सर ने क्रिकेटर बनाए, आप भी क्रिकेटर तैयार कर रहे हैं, लेकिन आचरेकर सर ने कोच भी तैयार किया उसकी, आप उनके सामने हो और आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया, उसके पहले उनको सम्मानित किया था, ये बात देश के लिए गौरव हो सकती है। डेफिनेटली, क्योंकि आज देखने गए तो पूरे देश में टोटल 9 द्रोणाचार्य अवार्ड दिए गए थे क्रिकेट के लिए, और उसमें से 5 दिल्ली वालों को है, 2 हरियाणा वालों को, पूरे देश में महाराष्ट्र को 2 मिला। और 1990 साल में मेरे गुरु को, सर रमाकांत नाचरेकर को ये द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था, और 32 वर्ष के बाद ये मुझे मिला। और मैं तो ये कहता हूँ कि सर ने हमारे बहुत सारे क्रिकेटर देश के लिए दिए, जैसे कि सबसे नंबर 1 पे है गॉड सचिन तेंदुलकर, उसके बाद प्रवीण आमरे है, अभिनव कांबली, लालचंद्र राजपूत, चंद्रकांत पंडित, समीर दिघे, पारस आमरे, बहुत सारे। तो बट मुझे ये खुशी है कि उन्होंने एक द्रोणाचार्य भी बनाया, जैसे कि मैं द्रोणाचार्य हो गया, तो मुझे ये खुशी होती है कि मैं यही कहता हूँ कि एक द्रोणाचार्य ने द्रोणाचार्य बनाया। सर आपके जो शिष्य है रोहित शर्मा और शार्दुल ठाकुर, उनको आप क्या कहेंगे ये वर्ल्ड कप को आप जो खेलेंगे आप अगले नेक्स्ट मैच में, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? सलाह तो मैं कुछ नहीं देता हूँ, क्योंकि जब से वो इस मुकाम पे पहुँचे देश के लिए खेल रहे, तो मैंने कभी टेक्निकली उनको सलाह नहीं दी। सिर्फ यही कहना चाहूँगा रोहित को, जैसे कि लास्ट वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा, रोहित ने 500 रन की पारियाँ खेली थी, तो उस वक्त उसको मैंने एक ही सलाह दी थी कि थोड़ा विकेट पे स्टे करके खेलना, शुरू शुरू में अटैकिंग खेलने नहीं जाना विकेट पे। अगर तेरे जैसा बल्लेबाज अगर विकेट पे स्टे करेगा तो तू दुनिया का सबसे बड़ा डेंजरस बल्लेबाज है। तो तू, यही मेरी रिक्वेस्ट है, तू थोड़ा विकेट पे स्टे करना, और उसने प्रूव करके बताया। उसके बाद आपने सब उसकी इनिंग देखी होगी, तो इस वक्त भी मैं यही चाहूँगा कि रोहित ने शुरू में विकेट में स्टे करना, और उसके बाद अपनी बल्लेबाजी करना, ये मैं चाहूँगा। और दूसरी बात शार्दुल के लिए मैं यही कहूँगा कि जब जब तूने गेंदबाजी को आया तो हर वक्त तूने विकेट निकाल के दिया, तो ये बार भी वही करना, अपने बल्लेबाजी और गेंदबाज के ऊपर देश के लिए जीतने के लिए सबसे बड़ा सहयोग करना। सर आपने ये टीवी भारत के लिए हमसे संवाद किया, बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। कैमरा पर्सन अनिल निर्मल के साथ प्रशांत गोड़ से ई टीवी भारत मुंबई।